इस समय मैं छत्तीसगढ़ में हूँ। इस इलाके में मैं खड़ी हूँ, ये औद्योगिक क्षेत्र इलाका है। यहाँ पर लोहे की कई कंपनियाँ हैं। आप अगर मेरे कैमरे के पीछे देखें तो ये देखिए, ये जितनी भी कंपनियाँ हैं और यहाँ पर लोहा बनने का काम होता है। इस चारों तरफ की कंपनी के घेरे में एक ऐसी बस्ती है, ये जो है ये बस्ती। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर कैसे रहते होंगे, स्थिति कैमरे के माध्यम से भी दिख रही होगी। यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर शिक्षा नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। और थोड़ा ये भी पता चला है कि इस समय बारिश का मौसम है। अगर बारिश का मौसम नहीं होता ना, तो यहाँ पर जिस तरह से हम खुले नाक और मुंह से बात कर रहे हैं, शायद वो मुश्किल हो जाता है। वो डस्ट नाक से मुंह से अंदर जाती है और इसी कारण यहाँ पर बीमारियाँ भी फैलती हैं। तबीयत खराब हो जाती है, सर्दी खांसी तो आना ही छे। जैसे डस्ट से ना टीवी वगैरह हो जाती है, तो ऐसे कुछ है? नहीं, टीवी वीवी की तो अभी कोई शिकायत नहीं आई। कब ज़्यादा धूल की प्रॉब्लम कब ज़्यादा होती है? मतलब गर्मी में, बरसात में अभी पता नहीं चले है, गर्मी में ज़्यादा होती है। जहाँ पे बैठी हैं? जहाँ बैठी हैं, जो हमारा घर रही से। तो ये ऐसी स्थिति में क्यों है? यहाँ पे तो कुछ मतलब ऐसे ईंटी उटी रखी हैं, गिरा पड़ा हुआ, यहाँ तो कहीं घर नहीं दिख रहा। यह यदि पूरा घर ही नहीं है। फिर यहाँ से हम लोग चल दिए मजदूर नगर। क्यों नहीं रहने दिया उन्होंने? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मना कर दी से आए बर हैं रैली मीटिंग में जाए बर, तो हम लोग रैली मीटिंग में जाने पर रहे जैसे बंद कर दिए, नहीं रहेंगे करके। यहाँ पार्षद है, यहाँ रहने के लिए मना करे रही से पहले, यहाँ बसने के लिए तो टोड़े रही ना बस्ती है ना, तो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा ला पकड़े रहे, हम बुलाए रहे मैंने मदद करे पर, तो यहाँ मदद करे रही से वो सती है यहाँ से हटाए पर पार्षद मन बोले रही से यहाँ नहीं रहना है बस्ती करके। तो आप आसानी से मान गए और चले गए अपना घर सब कुछ छोड़ के? हाँ। क्यों मतलब कोई अपना घर छोड़ता है क्या ऐसे में? तो हमला भी किया ना पार्षद मन है, पाँच छः गांव के पार्षद मन आके रात कन 12-1 बजे रात के पूरा घर में दरवाज़ा ठोक ठोक के उठा के गाली भी, अब बड़ गंदा गंदा गाली बकता था और पाना पेंचिस लेके पूरा मारे पर हम लोग के दते रहे थे। तो अपना डर से यहाँ से हट भी गए हैं। हाँ वो मांग किए थे तो यहाँ नहीं रहने देंगे, ये बस्ती में सरकारी बस्ती है, जैसे हटा देंगे जगह मने दूसरा चीज़ यहाँ बनेगा करके ना हम लोग हटा रहे थे। क्या बनेगा? ये कुछ गार्डन बनेगा कह रहे थे शुरू में। ये गार्डन बनेगा ये कंपनियों के बीच में धूल, वो बहाना करके वो कंपनी के बेचने कंपनी के जगह देने के लिए उसने बहाना मार रहे थे। वो साइड के पूरा प्लाट है बेचा गया, कंपनी वाला ले ली से रोड के ऊपर में। बस्ती 2004 में बसी थी, यहाँ पे मैं बचपन से थी पर अभी नहीं रहती हूँ। ये ज़मीन AKBN का था, तो ना मेरी मम्मी लोग आए और उनके भी 2-4 फ्रेंड थे, उन लोगों को भी लेके आए अपने साथी लोगों को, और उन लोग भी बसे साथ में। तो फिर धीरे धीरे छोटा सा ऐसे 15-20 घर का बस्ती बस गया था। तो फिर अचानक से मतलब उन लोगों को जो यहाँ के सिलतरा क्षेत्र के जो सरपंच थे, उन लोगों विधायक थे, उन लोग ना इन लोगों को मतलब हटाने की कोशिश की कि ये ज़मीन हमारा है, AKBN का है, तो हम लोग इसमें नहीं रहने देंगे ऐसे करके। तो मेरे मम्मी लोग छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा एक संगठन है उसमें जा के मदद लिए कि हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोगों के पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है और जो यहाँ के जो पंच सरपंच लोग हैं उन लोग हम लोग को रहने नहीं दे रहे हैं ऐसे करके। तो उन लोगों ने जब मदद मांगी तो आप लोग महिला मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए हो, उसके कार्यक्रम में जाते हो और इस बस्ती को बचाने की कोशिश कर रहे हो ऐसे करके ना, मतलब जो लोग यहाँ के उस चीज़ में शामिल होते थे उन लोगों को भगाने की बहुत कोशिश किए। जब मैं छोटी थी मुझे याद है मेरे मम्मी पापा को उन लोग ने मतलब रात में 12-1 बजे ऐसे आकर गुंडे लेके आते थे, 5-5 बाइक, 6-6 बाइक में 2-2, 3-3 लोग बड़े बड़े हथियार लेके आते थे। तो इतना परेशान किए मेरे मम्मी पापा को, और मेरे मम्मी पापा लोग, मेरे घर वाले लोग और मेरे माँ के जो 2-4 साथी थे उन लोग भी
मतलब हम लोगों की वजह से बाकी लोगों को क्यों समस्या हो, ऐसे करके इस बस्ती को छोड़ के चले गए। फिर मैं इस बस्ती में अभी, मतलब जब मैं यहाँ थी तो मैं 10 साल की थी, 8-10 साल की थी। अभी मैं 22 साल की हो गई हूँ और इस बस्ती में आई हूँ और अभी देख रही हूँ इस बस्ती की स्थिति। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा चेंज नहीं हुआ है, जो पहले था वैसे ही है और उससे ज़्यादा भी भयानक स्थिति हो गई यहाँ की। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो, चारों तरफ ऐसे देखो, यहाँ पे ये बस्ती के चारों तरफ बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसके वजह से यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादा दिन, मतलब जिनका तो मतलब रहने के लिए मजबूर है, जब जगह नहीं है वो लोग तो रह ही जाते हैं, ऐसे पॉल्यूशन के वजह से रहते ही हैं मजबूरी के कारण। लेकिन ऐसी फैक्ट्रियों के बीच में मतलब जीवन जीना इतना आसान नहीं है, फिर भी लोग यहाँ पे रहते हैं। बस्ती के साथ साथ में फैक्ट्रियाँ भी बढ़ती जा रही है, यहाँ की जो प्रदूषण है वो भी बढ़ता जा रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे मतलब बस्ती में आए हैं, देखे हैं, तो जो पहले की स्थिति थी उससे भी बहुत ज़्यादा भयानक हो गई है। इस इलाके में नहीं रहती पर यहाँ के जो स्थिति मैंने यहाँ देखा है कि मतलब पढ़ाई में कैसे मेरे को प्रॉब्लम हुआ था, वैसे भी यहाँ के बच्चे को अभी भी हो रहे हैं। अभी भी यहाँ के जो लड़कियाँ हैं मतलब 8वीं से 10वीं तक की मुश्किल से पढ़ाई कर पाती हैं और जो बाकी लोग तो जो लोग नहीं कर पाते हैं वो लोग तो कर ही नहीं रहे हैं। लड़के लोग भी यहाँ के जो हैं स्कूल नहीं होने के वजह से छोटे कम उम्र में 12-15 साल में यहाँ के जो फैक्ट्रियाँ हैं उसमें काम करने जाते हैं, उसमें काम करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाकी बच्चे कंपनियों से चोरी करना, नशा करना, ये सब काम करते हैं। पढ़ाई किया है? नहीं, एक भी नहीं। नहीं, आप आगे क्या करेंगे, कुछ भविष्य में सोचा है? कुछ करेंगे, काम करते हैं बस। क्या करते हैं? जीआई वाला। ये क्या होता है? एक काटाचार बनता है। कंपनी में? हाँ कंपनी में। कौन सी कंपनी? हरिद्वार। हरिद्वार। तो वहाँ पर क्या क्या करते हैं? वहाँ बंडल काटते हैं, बंडल फिरते हैं, वही काम बता रहता है। और कितनी उम्र से आपने शुरू किया ये काम करना? ये 15 साल से। 15 साल से? तो मतलब आप 5 साल के? हाँ, तब से शुरू करते हैं। आप कह सकते हैं कि ये आम बात है औद्योगिक क्षेत्र के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लिए ना वो व्यवस्था है, ना वो सुविधाएं हैं, ना वो विकास है। और जिस तरह से देश में एक तस्वीर दिखाई जाती है सबके सामने कि हर राज्य के लिए होती है, तो छत्तीसगढ़ में भी जब मैं रायपुर घूम रही थी तो मैं देख रही थी हर जगह लिखा स्वच्छ छत्तीसगढ़, सुंदर छत्तीसगढ़ है। तो ये जो स्लोगन बनते हैं ये किसके लिए बनते हैं और कौन सी जगह के लिए बनते हैं, ये सवाल आपके लिए है, सोचिएगा जरूर। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।